हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी गैन मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी गैन यूट्यूब चैनल पे तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों हमने बायोलॉजी का पार्ट शुरू किया था तो उसी पार्ट को आज हम कंटिन्यू करते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में दोस्तों जी हाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो पहला क्वेश्चन है हमारा हु गेव द टर्म होमोसेपियंस तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों लीनियस याद रख लीजिए ओके सो द नेम होमोसेपियन वॉज गिवन इन सेवनटीन फिफ्टी एट बाई द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैरलोस लीनियस होमोसेपियंस ओ स्पीसीज को कहा जाता है टू ऑल मॉडर्न ह्यूमन बींग्स बिलोंग जो आज हम हैं राइट ए स्पीसीज दैट के नॉट बी फाउंड आफ्टर ए प्रोलॉन्ग सर्च इन इट्स एरिया ऑफ हैबिटेशन इज सेट टू बी ऑप्शन सी एक्सटेंट इसे कहा जाता है दोस्तों इस पीसीज दट के नॉट बी फाउंड आफ्टर अ प्रोलॉन्ग सर्च इन एरिया ऑफ हैबिटेशन इज सेट टू बी एक्सटेंट स्पीसीज

क्लोज होता है होमोनाइट्स के दोस्तों सेकंड अर्लीस्ट होमोनाइट फॉसिल विच बिलोंग टू जेनस एस्ट्रोलोफी हैव बीन फाउंड इन द ईस्ट अफ्रीका एंड डेट बैक टू 5.6 पॉइंट सिक्स मिलियन ईयर दोस्तों इट इज़ लाइकली दैट होमोनिइट्स माइग्रेटेड फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका टू सदरन एंड नॉर्दर्न अफ्रीका टू सदरन एंड नॉर्थ ईस्टर्न एशिया पर हैवस टू यूरोप भी आए थे कब दो से वन पॉइंट फाइव मिलियन ईयर्स हो गए की बात कर रहा हूँ मैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू स्पेशिएशन की बात करें

The Principle of Biology by Herbert Spencer, 1864, look at biology in terms of themes such as function, adaptation and variation. In this book, Spencer introduced the expression survival of the fittest in the sense of most appropriate to its environment. Next, Kharai camels are known to mainly feed on option C, si Mangrove. Karai camels are the unique breed of camel found only in the Kutch of Gujarat and they will feed on Mangrove on the island offshore. shore. Kharai camels can swim up to 3 kilometers. तीन किलोमीटर तक स्विम कर सकते हैं सी इन सर्च ऑफ मैंग इनके एक प्राइमरी आ, फूड माना जाता है और एक खराई कैमल्स आ, आपको स्विमिंग कैमल्स भी कहते हैं एंड एक खच में होते हैं प्राइमरली इन अब्दास बचाओ लखपट एंड मुंद्रा में आपको ज्यादातर इसको देखने को मिलेगा ओपेरिन थियोरी अबाउट द ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज रिलेटेड टू तो ऑप्शन ए केमिकल एवोल्यूशन दोस्तों ओपेरिन थियोरी अबाउट द ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज रिलेटेड टू केमिकल डेवलपमेंट दो पैरिन हल्डेन हाइपोथिस सजेस्ट that the life arose gradually from inorganic molecules with building blocks like amino acids forming the first and then combining to make complex polymers different views of origin of life ka hai, Panasperia theory theory of spontaneous birth theory of life biogenesis theory of chemical evolution which of the following is necessary to maintain number of individual of species and prevent their extinction kibat karen to option b ho gather to reproduction okay. so reproduction is necessary to maintain number of individual prevent their

The primitive atmosphere was reducing because hydrogen atoms were active and in greater number. Reducing atmosphere is a condition in the atmosphere in which oxidation stops due to lack of oxygen, and oxidizing gases such as hydrogen, water vapor are activated. Which of the following is more likely to have probability of evolution of new species in organism? Option A, okay, division of diploid cells. Okay, Actually. The organ that have same basic structure but different functions are called. Option C, homologous organ is विच हैव सेम ऑरिजिन बट परफॉर्म डिसिमिलर फंक्शन द होमोलोग ऑर्गन्स हैव सिमिलर ऑरिजिन बट ड्यू टू एवोल्यूशन द ऑर्गनिजम अंडरगोज डेवलपमेंटल चेंजेस इन ऑर्डर टू एडजस्ट इन चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन ओके वो जो है टाइम टू टाइम बदलते रहते फॉर एक्जाम्पल द बिंग्स ऑफ बैट्स एंड आर्म्स ऑफ प्राइमिट्स हैज़ इवॉल्व टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर बट इनका जो टेट्रापॉट स्ट्रक्चर होता है ना वो सेम होता है नेक्स्ट द स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इंडिकेट दैट ऑल ऑफ अस बिलोंग टू The single species that evolved in option C Africa. The book Origin of Species was written by Option C Charles Darwin. Charles Darwin book The Origin of Species, published on 24 November 9, 1859 AD, is considered as fundamental scientific concept in science and the foundation of evolutionary biology. In this book, The Origin and Development of Organism Explained by Evolution. Next dekhte, the most recently discovered link in human evolution is the discovery of fossil that is option B. Hogatus to hormone led

डायनासोर्स आर मेनली एक्टिव एक्टिव इन जोरासिक विच ऑफ दैट न्यू स्पीसी डिफाइंड चेंजेस की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों म्यूटेशन याद रख लीजिए एंड वट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ बेटरमेंट फॉर ऑर्गेनिजम टू सर्वाइव एंड हैव मोर ऑफ स्प्रिंग दैट इज ऑप्शन ए नेचुरल सेलेक्शन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग बेटर अडोप्टेड एन्विमेंट फॉर ऑर्गेजम टू सर्वाइव एंड है मोर ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड नेचुरल सेलेक्शन

ये न्यूज में था टेरोसरस इज अ स्पीस ऑफ द एक्सटेंट डायनासोर ऑल्सो नोन एज टायरेंट टाइर किंग एज इट वॉज अ लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑन द लैंड इसकी लेको फोर्टी टू फीट है और इसकी जो यू नो इट वॉज फाउंड इन टिक्स पॉइंट सेवन टू सिक्स मिलियनियर्स वट इज द मीनिंग ऑफ द साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस ऑफ ह्यूमन की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया वाइस होमोनाइट द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ होमोस्टियस इज वाइस होमाइट ह्यूमन बींग इज नेम्ड होमोसेपियंस बेस्ड ऑन बाइनोमियल नॉमिनक्लेचर ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम होमोसोपियंस इज अ लैटिन वर्ड वेर होमो मीन्स मैन एंड सेपियन मीन्स वाइस दोस्तों वॉट इज द मीनिंग ऑफ द साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों मैन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन की बात करें तो ऑप्शन सी होमो सेपियंस द अर्लीएस्ट होमोनाइट क्लासिफाइड एड सेपियंस वर ऑप्शन बी हो गया दोस्तों क्रो मैग्न द अर्ली होमोनाइट क्लासिफाइड एज होमो सेपियंस वर क्रो मैग्न ह्यूम इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रिमेटिव नियर थर्डल अबाउट थर्टी टू फिफ्टी थाउजेंड ई को नेक्स्ट हेरिडिटी ऑफ ह्यूमन कैन बी ट्रेस टू ऑप्शन ए अफ्रीकन ऑरिजिन दोस्तों मॉडर्न ह्यूम ऑरिजिनेटेड फर्स्ट इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आफ्टर दिस द लेटर रीच अदर कॉन्टिनेंट्स देर फॉर द जेनेटिक्स ऑफ ह्यूमन्स एंड कैन बी ट्रेस टू द पीपल ऑफ अफ्रीकन ऑरिजिन एंड विच ऑफ द फॉलिंग इज नेसेसरी टू मेंटेन द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड प्रिवेंट दर एक्सटेंशन की बात करें तो ऑप्शन ये हो गया रिप्रोडक्शन बी रिपोडक्शन प्रोसेस एनी ऑर्गेजम मेंटेनिस्ट एक्जिसटेंस ऑन अर्थ कंटिन्यूअसली इफ एन ऑर्गेनिजम एनेबल टू रिपोड्यूस दैर इट्स नंबर डिक्रीजेस विद डेथ and after a time when all organism concerned species die then that species become extinct evolution is defined as option c natural selection dash is related to the theory of evolution ki kare to kya related option b so charles darwin is related to theory of evolution the fundamental element of darwin theory of evolution is natural selection some organisms adopt better to survive in reverse environment the adoption capacity varies इन हैज प्रपोज द ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो ऑप्शन बी चार्ल डार्विन हो गया दोस्तों द एवोल्यूशन एवोल प्रपोज बाई ऑप्शन है ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन एवोल्यूशन बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पीस इन इंग्लिश द थी ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड ऑरिजिन ऑफ स्पीज और डार्विनिज्म नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट वन ऑफ थ्री सुपर फैमिली ऑफ द एंथ्रोपोर्ट्स की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया है

Tachyglossus is a connective link between reptiles and mammals. And acidna are mammals that lay eggs. They are classified under phylum core data. The duck-billed platypus possesses the characteristics of mammals such as hair, mammary, gland, diaphragm, and reproductive system. Consists of coracae is similar to reproductive system in the reptiles. Next, the basic source of biological diversity is option A, mutation. म्यूटेशन आर कंसिडर द फंडामेंटल सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ए सडन चेंज इन डी एन ए सीवेंस ऑफ अन ऑर्गनिजम इज कॉल्ड म्यूटेशन यू गो डी वायरस कंसिडर द म्यूटेशन टू बी द बेिस ऑफ एवोल्यूशन इन ऑर्गेनिजम नेक्स्ट द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इंडिकेट्स दट वी ऑल बिलोंग टू सेम स्पीसीज दट इवॉल्ड इन अफ्रीका पहले ही मैंने आपको इसका सारा एक्सप्लेनेशन बताया था डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेजम ओवर मिलियन ऑफ इयर्स इन विच द न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस ऑप्शन डी सिकवेंशियल डवेलपमेंट सिक्वेंशियल डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस इन दिमिटिव ऑर्गेज ऑफ इर्यस इन विच द न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस चार्लिस डारविन फर्स्ट इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ दिस बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज टू होम कैन यू रिलेट द थियोरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों डारविन याद रख लीजिए डैश इज एन इंग्लिश एनवियरमेंटलिस्ट जियोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट नोन वॉर इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द साइंस रिलेटेड टू द एवोल्यूशन की बात करें तो ऑप्शन ए चार्लिस रॉबर्ट डारविन डैश थियरी ऑफ एवोल्यूशन टेल्स अस दैट हाउ लाइफ एवॉर्ड फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑप्शन बी हो गया दोस्तों इंपॉर्टेंट है डार्विन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग लिइंग मैमल की बात करें तो ऑप्शन डी प्लेटपस द प्लाटापस इज एग लिंग मैमल दैट इज कंसीडर्ड टू बी द कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स एज प्लेटपस प्रोसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स एज हेयर मैमरी ग्लैंड फ्राम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुट लाइफ एवॉर्ड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया हेल्डेन दोस्तों dash provides evidence of evolutionary relationship kibat-kere to option bioga fossils fossils are preserved remains or traces of animal plants and other organisms from the past their study is called paleontology fossils are important evidence for evolution because they show that life on earth was once different from life found on earth today according to one of the most widely accepted theories before the origin of life on earth the Earth atmosphere consider, consists of a mixture of option bioga h2 Yes, CH four and NH three. Okay. The atmosphere of Earth before the origin of life was strongly reducing. Water vapor, methane, carbon dioxide, ammonia, etc. Were emitted from molten materials covering the surface. The ultraviolet radiation of the sun also played a crucial role in splitting the water into hydrogen and oxygen molecules. And lightest hydrogen become free. Then took part in formation of molecules. Okay. okay. Next, the atmosphere of early Earth.

analogous organs are defined as the organs of different animals that are having different structure but perform the same function the example of the analog organs are wings of insect lobster tail fluke of whale and wings of the bird Next, the organ which have a different basic structure but are similar in appearance and have a similar functions are called option d analogous organ in which of the following scientists have suggested the mechanism for evolution in his book origin of species that is option d charles darwin विच ऑफ़ दिस ऑर्गन इज नॉट ए वेस्टिगियल ऑर्गन की बात करें तो ऑप्शन ए हो गया ब्रेन दोस्तों द विजडम मोलर अपेंडिक्स एंड ईयर मजल्स और वेस्टिकल ऑर्गन इन ह्यूम वेल द ब्रेन इज नॉट द वेस्टिगल ऑर्गन इन ह्यूम्स या देख लीजिए ठीक है कौन सा कौन से विजडम मोलर अपेंडिक्स और ईयर मजल ये होते हैं नॉट द ब्रेन हु रोड द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया डारविन ने लिखा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हु गेव द टर्म होमोसेपियंस की बात करें तो ऑप्शन ए सी लीनियस हो गया दोस्तों द होमोसिपियस वॉज कॉइन बाय स्विडिश बोटानिस्ट एंड टेक्जोनोमिट कार्लस लिनियस कॉमन नेम्स का ह्यूमन बींग्सिफिक होमोसिपियंस कैट का साइंटिफिक नेम फीलिय मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्टिस्ट राइस का जो साइंटिफिक नेम है वो है और सटिवा और वीट का जो साइंटिफिक नेम है वो ट्रिटिकम एस्टिवम मैंगो का जो है मैंग इंडिका है दोस्तों सो दिस इज अबाउट होमोसेपियंस और एवोल्यूशन के बारे में आज हमने पढ़ा है दोस्तों ओके okay? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रॉपर टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए उसी दिन ही तो इसीलिए मैं एक पंद्रह बीस मिनट के वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि लेंथी वीडियोस बनाने से भी जो है कई सारे बच्चे का फीडबैक मिला है आ, कि लोग थोड़ा बोर भी हो रहे हैं और उनको पढ़ने के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसीलिए एक छोटा छोटा टॉपिक हम डिवाइड करेंगे लास्ट में मैं इसका एक कंपाइलेशन वीडियो भी डाल दूंगा Uh, ताकि आप उसे जो है देख के एक ही बार में पढ़ सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं ठीक तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा दोस्तों टैक्सोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों टेक केयर